तो गाइस फाइनली खुशी के सारे बाल उतर गए। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस आज हम जा रहे हैं हरिद्वार घूमने के लिए, फैमिली ट्रिप है और सारे घर वाले जा रहे हैं, पापा लोग सब रेडी हो रहे हैं। तो ऐसा सीन है, मेरी छोटी वाली बहन के बाल उतारने हैं, जो सबसे छोटी बहन है। अक्सर आपने जिनने मेरा ब्लॉग पुराने नहीं देखे उनमें देख लिए कि मेरी छोटी बहन है खुशी ना, उसके तो उसके बाल उतारने हमें। तो सब जा रहे हैं फैमिली लोग, क्या कहते हैं, हरिद्वार के लिए। तो अभी निकल रहे हैं, अप्रॉक्सली टाइम हो रहा है 7:30, तो हम 8:30 पर घर से निकल जाएंगे। तो फिर हमें जाएंगे चाचा के अपने कॉम्प्लेक्स जाएंगे। फिर वहाँ से दो गाड़ियाँ जा रही हैं, एक हमारी स्कॉर्पियो और दूसरी हमारी इको स्पोर्ट जा रही है। तो वह ट्रिप में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि फैमिली तो हमेशा तगड़ी होती है। तो चलते हैं, अभी सब रेडी हो रहे हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। हाँ गाइस, सबको मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत समय से मेरा ब्लॉग नहीं आया। तो क्या कहते हैं, अब रेगुलर मेरा ब्लॉग आएगा गाइस, तो टेंशन की बात नहीं है। नए जल्दी मैं गोप्रो भी लेने वाला हूँ, कोशिश ये गोप्रो 9 या 10 चूज़ करने की। और कुछ ऐसा आउटफिट है मेरा, नीचे से मैंने लोअर ही पहनी है और ऊपर शर्ट और जूते, और बाकी मेरा छोटा भाई भी पीछे है, तैयार हो रहा है वो भी। तो सब तैयार हो रहे हैं, फिर इसके बाद निकलते हैं फटाफट गाइस, क्योंकि बहुत लंबा समय है और हमें बहुत मज़े काटने हैं। गाइस हम घर से निकल रहे हैं, अभी सब रेडी हो गए हैं और गाड़ी अपनी पीछे खड़ी है। तो अभी कॉम्प्लेक्स जाते हैं, फटाफट चलते हैं फिर यहाँ से। तो सब रेडी है तो निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हम टोल गेट पर पहुंच गए हैं। हम थोड़ा पीछे रुक गए थे क्योंकि ये वाली स्कॉर्पियो में, हमारी वाली स्कॉर्पियो में फास्टैग नहीं लगा था, तो इसलिए हम फास्टैग लगा रहे थे। और बाकी अपनी इको स्पोर्ट में तो फास्टैग पहले से लगा था, तो इसलिए हम इसके लिए स्कॉर्पियो के लिए रुके थे। तो अब फटाफट चल रहे हैं, आधा रास्ता पार हो गया है, थोड़ा और है तो फटाफट चलते हैं। तो गाइस अप्रॉक्सी 2:30 हो रहा है और हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। पार्किंग बहुत फेमस है ये। हाँ, पार्किंग तो बहुत फेमस है यहाँ की। और गाइस हम पहुंच गए थे, बहुत जल्दी पहुंच गए हैं, और बाकी सब अभी देखते रूम वूम लेते। हाँ तो गाइस हम हरिद्वार पहुंच गए और सुबह के बज रहे हैं 2:30 और भैया जसू और मैं लगे पड़े हैं आश्रम ढूंढने में, बाकी घर वाले पीछे से आ रहे हैं। में लगे पड़े हम, होटल भी ले सकते हैं, अभी हम होटल भी रह सकते हैं। और गाइस फ्लो बहुत तेज़ है अभी, ये देखिए फ्लो तो बहुत तेज़ चल रहा है। और व्यू देखिए आप गाइस, बहुत मज़ेदार है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। ऊपर यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से ऊपर शायद लाइट दिख रही है, ये वो है बंसापति माई का मतलब मंदिर, ऊपर पहाड़ों में ये यहाँ से दिख रहा होगा। और कोशिश है तो यहाँ भी जाएंगे। और गाइस देखिए कितना प्यारा व्यू है, कोई तैराक थोड़ा सा बोलता है डगमगा जाता है। कौन डगमगा? ये जंजीर लगा रखी है ना, हाँ, ताकि पकड़ सकता है उसे। कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ यहाँ पे लगा तो दिए। तो गाइस कितने श्रद्धालु आ रखे हैं यहाँ पे। तो हम फटाफट अपना रूम ढूंढते हैं, पता नहीं अभी घर वाले आ ही रहे हैं अभी तो स्टार्टिंग। वहाँ से फूफा और बुआ आ रहे हैं, उनके पीछे दादी बड़ी बुआ सब आ रहे हैं। तो गाइस चलते हैं यहाँ से फटाफट। चले भैया चल लेना। तो पहले मैं गाइस सामान रख देता हूँ, देख सकते हैं अभी इतना सारा सामान है और सब हम यही उठा के ले जा रहे हैं। तो वो 1500 रुपये फेंकूंगा, ये होटल ज्ञान वाला ही होटल दे देगा। 70-80 रुपये आए हमारे भी, खूब पैसा ले के चलते हैं उस समय। अभी हम रूम देखने आए थे और ये आश्रम है, यहाँ भगवान जी साईनाथ जी की फोटो है
और बाकी पर रूम देख के आते बड़ा। ये इनका है, क्यों जैसे हम जाना ज्यादा है नीचे वो गद्दे तो मिल जाएंगे। नहीं नहीं आ जाएंगे उसमें, आठ बेड वाले में जो इतने आप बता रहे हो अगर उतने हैं। अरे लेडीज और जेंट्स भी है ना, बात ये है। तो गाइस भी मेरे हिसाब से सेकंड थर्ड फ्लोर और हम जा रहे हैं रूम देखने के लिए। अभी आठ बेड वाला है और हम क्योंकि टोटल 12 मेंबर्स हैं फैमिली के, तो फटाफट चलते हैं। और गाइस कोशिश यही है कि तू सब डिस्कवर कर सके हरिद्वार में, तो चल रहे हैं यहाँ पे से। तो गाइस ये रूम हमने पसंद करा था, बट हमें अच्छा नहीं लगा। पर यार अंदर से बहुत अच्छा है रूम, मतलब यहाँ तो होटल आश्रम बहुत अच्छा है। तो चल रहे अभी यहाँ, क्योंकि मौसा जी ने कहीं और से, फूफा ने मेरे क्या कहते हैं कहीं और देख लिया रूम, तो चलते हैं यहाँ से फटाफट। तो गाइस हम घूम रहे हैं अभी फ़िलहाल गलियों में, क्योंकि हमें कुछ करने को मिल नहीं रहा है, तो अभी चल रहे हैं नीचे की तरफ। भैया मैं घूम रहे बस। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 4:30 और हल्की हल्की सुबह होने लग गई है। भैया हमें बहुत देर से ही घूम रहे थे, जब से हम घूम ही रहे और घर वाले होटल में हैं, उन्हें आराम कर रहे थे तो सो गए हो। बाकी भैया और मैं तो घूम ही रहे हैं ऑलमोस्ट, बहुत जगह घूम के आ गए हैं। और देखिए गाइस सुबह का व्यू देखिए हरिद्वार का, बहुत प्यारा है। हल्की हल्की सुबह होने लग गई है और आरती होने का भी टाइम हो रहा है। हम जा रहे हैं अभी हरकी पौड़ी की तरफ, एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता कहाँ है, मम्मी वाले वहाँ पहुँच गए हैं हरकी पौड़ी में, तो अब हम भी वहीं की तरफ जा रहे हैं। हम गए थे पार्किंग तक बैग लेने के लिए, तो अब हम जा रहे हैं हरकी पौड़ी की तरफ। और देखिए आप इनकी कलाकारियाँ देखिए गाइस, आर्ट देखिए कितनी प्यारी है, देख सकते हैं आप हर मतलब टच टू टच देखिए आप यहाँ पे सब कुछ क्लियर मस्त बना रखा है इन लोगों ने। और ये देखिए गंगा नदी जी का फ्लो कितना बहुत तेज है इस तरफ। और बाकी आप सामने जो देख रहे हैं ये पंडित जी का बैठने का जगह है, जहाँ पंडित जी बैठ के पूजा पाठ होती है वो सब करते हैं। और हमारे सामने है चोटी वाले, इनके छोले भटूरे बहुत फेमस है गाइस, बहुत हस्से बार वाले से फेमस है। तो गाइस इन्हें चोटी वाले इसलिए कहा जाता है, जो इनकी चोटी होती है लंबी स्ट्रेट मतलब एंटीना जैसी खड़ी रहती है, इसलिए इन्हें चोटी वाले कहा जाता है। बाकी आप देख सकते हैं कितने भक्त ना कोई लोग ज़मीन में सोए हैं, देख सकते हैं आप मेरे लेफ्ट की तरफ भी देख सकते हैं, राइट की तरफ भी देख सकते हैं कितने भक्त जन बैठे हैं यहाँ पे। फोन कर बीच में कहाँ है। हड़की पौड़ी भैया, हड़की पौड़ी कहाँ है, हड़की पौड़ी में गेट के पास तो हम भी खड़े हैं आप लोग का हाँ हम भी तो वहीं पे हैं, हम भी तो वहीं हैं। तो गाइस हमारे घर वाले फाइनली हमें मिल गए और हम यहाँ भी स्नान करते हैं, फिर पूजा गंगा माता जी की आरती होगी तो वो देखेंगे। तो अभी चलिए स्नान करते हैं। तो गाइस अभी चाचा चाची नीचे को आ गए हैं, वो स्नान करेंगे। सामने मेरे चाचा जी खड़े हैं, पहले वो स्नान करेंगे फिर हम लोग स्नान करेंगे, क्योंकि खुशी को भी मैंने पकड़ा है। तो फटाफट चाचा जी स्नान करने के बाद फिर हम स्नान करेंगे। तो गाइस अब खुशी को बुआ ने पकड़ लिया है, घर वालों ने सबने स्नान कर लिया है। और इस तरफ मेरी दादी को स्नान करा के मम्मी पापा और बुआ फूफा ऊपर लेके जा रहे हैं, इस तरफ जस्सू भैया स्नान कर रहे हैं, फिर हम स्नान करेंगे। तो पहले सब स्नान कर लेंगे फिर हम लोग स्नान करेंगे। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए,
जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर 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 गंगे गंगे। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे